अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े भी कंप्लीट होने वाले हैं, आज शायद लास्ट रोज़ा हो या कल। तो जी आप सब लोग सुनाएं, आपकी तैयारी कैसी हो रही है ईद की। जी हमारी तो बहुत मसरूफियत हुई है, जब ईद करीब आ जाती है तो जी मेरे हस्बैंड सारे काम तभी करके देते हैं। अभी हम लोग मीट लेने के लिए आए हुए थे, बल्कि बकरा लेने के लिए आए हुए थे ईद के लिए। ईद के लिए हम लोगों ने बकरा लेके इस तरह ज़िबा करवा के रख लेंगे फ्रिज में, बाद में भी यूज़ होता रहेगा। तो देखते हैं जी कौन सा बकरा हमें पसंद आता है, फिर उस हिसाब से उसकी कटिंग। और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, बच्चे भी साथ आए हुए हैं। तो जी यहाँ पर हम लोग बकरे की कलेक्शन कर रहे हैं कि हमें कौन सा लेना है, फिर जो भी हमें पसंद आएगा तो फिर उस हिसाब से वो इसको ज़िबा कर देंगे और कटिंग कर देंगे, सारे पीसेस बना देंगे। काफ़ी बड़ा फार्म था इनका जहाँ पर हम लोग आए हुए थे। इधर देसी चिकन, बकरे, गोट्स वगैरह या शीप और बीफ, हर तरह का मीट आपको मिल सकता है, आपने जिस तरह का भी लेना हो। तो जी ये काफ़ी बड़ा फार्म था और ऐसे ओपन में बना हुआ है। मेरे बच्चे तो बस वो उनके ग्रुप के साथ ही जुड़े खड़े थे कि हम लोग इनको देख लें। और जी ये इसके अंदर बहुत ही प्यारा ट्री हाउस भी बना हुआ है, सीढ़ियाँ लगी हुई थी और छोटा सा एक रूम सा बनाया हुआ है इन्होंने ट्री के ऊपर, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो जी गोट हमने पसंद कर लिया था, उसकी हो रही थी कटिंग। तो मैं ना यहाँ पर घूम फिर के बच्चों को दिखा रही थी, बहुत ही अच्छे अच्छे प्लांट्स लगे हुए थे। और ये लेमन का प्लांट है, बहुत प्यारे प्यारे लेमन्स लगे हुए हैं इसके ऊपर, लेकिन अभी कच्चे हैं, इसमें ना जूस अभी ज़्यादा नहीं आया। और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपने घर में ना प्लांटिंग की हुई थी, ओपन एरिया में मिंट लगाया हुआ था और सब्जियां लगी हुई थी बहुत अच्छी सी। और जी ये बहुत ही प्यारा सा ड्रैगन फ्रूट लगा हुआ है और यहाँ पे टमाटोज लगे हुए हैं। और जी ये चेरीज टमाटो लग रहे थे, छोटे छोटे जो होते हैं, तो इनको ऐसे ही ब्रेक करो और इनको सैलड पर यूज़ कर लो, बहुत ही प्यारे लग रहे थे ये भी। तो जी हम लोग ने यहाँ पे घूम फिर के पूरे उसका विज़िट कर लिया था। यहाँ पे हैंस भी बहुत प्यारी प्यारी देसी चिकन रखे हुए थे इन्होंने। और उसके बाद चलते हैं जी कटिंग वाली साइड पे जहाँ मीट की कटिंग हो रही थी। जी कटिंग करवाने के बाद पीसेस उन्होंने हमें बॉक्सेस में प्लास्टिक बना दिए थे, हर तरह के चॉप्स के सेपरेट और मीट के सेपरेट, बीन्स के सेपरेट। तो जी मैं फिर हम लोग निकल आए घर की तरफ, घर आके अभी इफ्तारी बनानी थी। और जी ये घर आने के बाद की वीडियो, मैंने बनाने थे पोटैटो बॉल्स, चीज़ पोटैटो बॉल्स। मैं पोटैटो को क्रश कर रही हूँ, मैश कर रही हूँ अच्छी तरह से। और जी उसके बाद आपने इसका स्मूथ सा पेस्ट सा बना लेना है, पोटैटोज़ के अंदर कॉर्नफ्लावर डाल के इसकी एक डो बना लेनी है। और उसी के अंदर आपने सॉल्ट और पेपर जो भी आपको पसंद हो, रेड या ब्लैक, वो डाल के इनके नाइस से बॉल्स बना लेने हैं। उसके बाद जी मैं इसके अंदर चीज़ फिल कर दूँगी, मैं मोज़रेला चीज़ कर रही हूँ, आपकी अपनी चॉइस, आप जोन से भी कर दें। ये छोटी छोटी चीज़ डाल के इसकी राउंड बॉल बना देंगे, उसके बाद अंडे की कोटिंग लगा के इसको हम फ्राई करेंगे। बंद कर वीडियो। बॉल्स मैंने अच्छी तरह से बना ली है राउंड राउंड, और एक एग ले लिया था, उसको बीट किया, उसमें हल्का सा मैंने चाट मसाला डाला था। और उसके बाद जी हम इसको एग में डिप करेंगे, फिर हम ब्रेड क्रम्स के अंदर डिप करेंगे, और उसके बाद इन सबको बना के ना इस तरह रख लेंगे, जब फ्राइंग का टाइम आएगा तब फ्राई कर लेंगे। बच्चों का स्नैक था, बहुत अच्छा मुझे तो नहीं लगा, लेकिन मेरी बेटी को बहुत पसंद आया, उसने शौक से खाया। और जी यहाँ पे भी मैं बहुत ही मज़े की ये स्वीट सी ब्रेड बनाने लगी हूँ, ये भी बड़ी अच्छी एक एडिंग है, आप अपने मेन्यू में कर सकते हैं। ब्रेड को लेके आपने इसको इसके रोलिंग पिन से फ्लैट कर लेना है। उसके बाद हमें चाहिए क्रीम चीज़, वाइट एंड ब्लैक चॉकलेट और खजूरें। खजूरें ले लें, ड्राई फ्रूट कोई सा भी जो आपको पसंद हो। उसके बाद जी आपने क्रीम चीज़ को इस फ्लैट ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करना है नाइसली। अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद हम इसमें पोर कर देंगे चॉकलेट पाउडर जो मैंने बनाया है, मतलब पाउडर तो नहीं है, थोड़ा क्रश की हुई है चॉकलेट, ताकि अच्छी तरह से बीच में मेल्ट हो जाएगी ये चॉकलेट। इस तरह आपने एक साइड पे इसको करना है, दोनों को मिक्स करके, और उसके बाद आपने डेट्स रख देनी है
डेट्स के स्लाइस, ये बहुत मज़े का स्नैक बनता है। अगर किसी का मीठा कुछ खाने को दिल करे तो ये बड़ी मज़े की एक चीज़ बनती है, ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। आपकी अपनी चॉइस है, ये ब्राउन पार्ट उतार दें या रख दें, मैंने नहीं उतारा। इस तरह इसको रोलिंग करके हम मैंने कोकोनट ऑयल में इसको हल्का सा फ्राई किया है, बड़ा अच्छा सा क्रंची सा हो जाएगा और बहुत मज़े का बना था ये भी। तो जी बिल्कुल हल्की आंच में, कम ऑयल में आपने इसको बनाना है, ये बहुत मज़े का बनेगा। तो यहाँ पे जी हो रही है हमारी चीज़ बॉल फ्राई, दिखने में तो बड़ी मज़े की लग रही है बाहर से, लेकिन मुझे बहुत फीकी सी लगी, बच्चों के हिसाब से ना खाने वाली थी। हाँ अगर मैं इसमें एक्स्ट्रा स्पाइस डालती सारे तरह के तो फिर शायद ज़्यादा मज़े की लगती। साथ में बनाए थे थोड़े से पकौड़े और ये चीज़ बॉल। और जी अफ्तार का टाइम हो गया था, आलमोस्ट अफ्तारी भी रेडी थी। ये देखें जी, ये मैंने उसको फ्राई हल्का सा करने के बाद डेट वाली जो मैंने ब्रेड बनाई है, बड़ी ही मज़े की बनी थी, बहुत क्रीमी और रिच फ्लेवर आ रहा था। आप ज़रूर बनाइएगा, मज़े की लगेगी आपको भी। तो जी हम लोगों ने की अफ्तारी, हमारी अफ्तार आलमोस्ट डन थी। यहाँ मैं अपनी बेटी से कह रही थी कि इसको ओपन करके दिखाओ, तो जी अफ्तार हम लोगों ने कर ली, सबने एंजॉय किया। फिर ये रात की वीडियो है, जब बच्चों को मैंने रात लिटा दिया था सोने के लिए, क्योंकि सुबह उठ के मैंने मार्केट जाना था, मार्केट से ईद की शॉपिंग करनी थी, बच्चों के कपड़े शूज़ कोई इस तरह की चीज़ें लेनी थी। यहाँ मैंने ये जी हमारी सुबह स्टार्ट हो गई है नेक्स्ट डे की वीडियो, जिसमें मैं गई थी मार्केट, मार्केट से हम लोगों ने क्या ख़रीदा वो भी दिखाऊंगी यानी किसी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो तो लेट अपलोड कर रही हूँ तो मे बी तब तक ईद आ जाए। तो जी ये कपड़े हम लोग पसंद कर रहे हैं, मैं और मेरी बेटी, उसके लिए मुझे ड्रेस लेना था और उसके शूज़ लेने थे। हम लोग आए हुए हैं वूलवर्थ पे, बहुत ही अच्छा स्टोर है, बड़ी अच्छी कलेक्शन होती है इनके पास। और जी इनके पास ही बच्चियों के छोटे बड़े सारे तरह के डिज़ाइन सब अच्छे थे, लेकिन मुझे इनमें से कोई भी नहीं अच्छा लगा अपनी बेटी के लिए। तो मैं शूज़ ढूंढ रही थी उसके लिए पम्प्स मल्टी कलर में, वो भी मुझे नहीं मिले। तो फिर हम लोग चले गए किसी और जगह पर, वहाँ से खैर मिल गए थे, लेकिन आपके साथ शेयर करूँगी अगर टाइम हुआ तो बाद में शॉपिंग, नहीं तो फिर ईद की वीडियो में तो आ ही जाएगी। अच्छा कभी कभी यूँ होता है मार्केट में कि स्पेशली ईद के दिनों में आपने जो चीज़ सोची हुई होती वो आपको नज़र ही नहीं आ रही होती, बल्कि मिल ही नहीं रही होती। हालांकि यहाँ बहुत वैरायटी थी शूज़ की, कपड़ों की, ज्वेलरी की, हर तरह के कलर्स में पड़े थे, लेकिन मुझे चाहिए था मल्टी कलर में पम्प्स। पम्प्स कम ही मिलते हैं मल्टी कलर में, खैर जहाँ से मुझे मिले हैं बहुत ही अच्छे मिल गए। मैंने कहा थैंक्स गुड, अल्लाह ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके हिस्से का बचा के रखा हुआ होता है। वो लास्ट पेयर था जो मैंने कलेक्ट कर लिया था अपनी बेटी के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मैचिंग हो गए थे। तो जी ये बैग हम लोग देख रहे थे, स्पेशल पे भी नहीं थे और काफ़ी महंगे लगे हुए थे। और मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा हम लोग, आपके पास इतने सारे बैग्स हैं कोई और यूज़ कर लेना, और वैसे भी उसके ड्रेस का ये मैचिंग भी नहीं थे, तो ये भी नहीं लिए फिर हम लोगों ने। लेकिन मैं ऐसी वीडियो बना रही हूँ कि चलें आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि यहाँ पर भी बड़ी अच्छी कलेक्शन मिल जाती है बच्चों की फ़्रॉक्स की। ये वेलवेट में बना हुआ ब्लू फ्रॉक, और ये पिंक जो था ये अच्छा कपड़ा था, ये भी गर्म था, और साथ में इसके छोटा सा ये पाउच भी सा भी दिया हुआ है, लेकिन मेरी बेटी का साइज़ नहीं था इनमें ना, छोटे बच्चों के लिए था। फिर जी ये शूज़ मैं अपने हस्बैंड के लिए देख रही थी, उनके कोट के साथ मैचिंग कर रही थी मैं, क्योंकि उन्होंने इस कलर में ऑफ वाइट कलर में कोट पहनना था, तो मैंने कहा चले शूज़ भी मैचिंग हो जाएंगे, अच्छे लगेंगे साथ में। लेकिन उन्होंने लिए ही नहीं, उन्होंने कहा नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत पड़े हैं। अच्छा जी शॉपिंग जो चीज़ें ज़रूरत की थी वो हम लोगों ने ले ली थी जल्दी जल्दी, और फिर उसके बाद आ गए थे घर। घर आके जी मैं ये लाई हूँ बॉक्सेस क्लिक से, बड़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइस में, और क्वालिटी भी इनकी बहुत ही कमाल है। हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं थी इन बॉक्सेस की, लेकिन अच्छे लगे तो मैंने लाजमी, मैंने कहा नहीं ये तो चाहिए ही चाहिए मुझे, अच्छी चीज़ें कभी कभी मिलती हैं ना तो ले लेनी चाहिए। अच्छा जी जो चीज़ें लेके आई हूँ उसमें जी ये टिशू छोटे पैकेट टिशू के थे, और ये बॉक्सेस लाई हूँ अपने
सारे फ्रेंड्स के घरों में जाना है, जिसमें हम लोग स्वीट्स डाल के लेके जाएंगे अच्छी अच्छी सी पैकिंग बना के। तो ये बॉक्सेस मुझे बहुत अच्छी ज़रूरत थी इनकी, तो ये मैं लेके आई हूँ। साथ में कुछ दालें हैं, वो तो मैंने आपको नहीं दिखाई कि ईद पे दालों की शॉपिंग कर रही है, तो गई थी तो मैंने ले ली हैं। और उसके बाद जी हम लोग आ गए थे ये शाम की वीडियो बार्बर शॉप पे, जहाँ पे बच्चों की होनी थी कटिंग, वो भी हमने एडवांस ही करवाई एक दो दिन पहले, ताकि रश में से बचा जाए, रश में रश। और आज भी हालांकि इवन अभी भी बहुत रश है, इतनी लाइन लगी हुई थी बाहर तक, आदमी खड़े थे, लेकिन हम लोगों ने पहले अपॉइंटमेंट ली हुई थी तो हमारी बारी आ गई। मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ, बच्चे हस्बैंड के साथ गए हुए इनसाइड। तो जी बच्चों के साथ आप इन चीज़ों को भी पहले ही दो तीन दिन डन कर लें तो ज़्यादा अच्छा रह जाता है, इजी हो जाता है माओं के लिए भी। तो इसलिए जी हम लोग भी एडवांस ही आ गए कटिंग करवाने के लिए। उसके बाद जी आज थी, ये थी मेरे बेटे की बर्थडे, वो माशाल्लाह से हो गया है 7। 7 कैंडल मेरे पास थी नहीं तो मैंने 6 ही लगा दी, और माशाल्लाह से उसकी एज 7 ईयर्स 8 स्टार्ट हो गया वो। और यहाँ पे हमने काटा जी केक। तो जी केक भी कोई स्पेशल नहीं बनवाया था, बस उसके सिंपल केक ले आए थे और उसको कटवा लिया उससे, वो इतने में खुश हो गया, उसको एक गिफ्ट दे दिया। छोटी सी खुशी थी, सेलिब्रेशन हो गई, बच्चे इस तरह खुश हो जाते हैं। तो चलिए जी ये थी मेरी आज की वीडियो, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।